छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। इस दौरान बेमेतरा में फर्नीचर खरीद में गड़बड़ी का भी मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक आशीष छाबड़ा ने स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदी में गड़बड़ी की ओर सरकार का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि जिले में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई है। विपक्ष का साथ मिला तो स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम ने बेमेतरा के जिला शिक्षा अधिकारी को हटाने और मामले की जाँच कराने की घोषणा कर दी। वहीं डीईओ को संयुक्त संचालक कार्यालय दुर्ग से अटैच किया जाएगा। इससे पहले प्रश्नकाल में विपक्ष के विधायकों ने समितियों से धान का उठाव नहीं होने का मामला सदन में उठाया था। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने पूछा कि प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया कितना धान बचा हुआ है, कितने खरीदी केंद्रों ने पूरा धान उठा लिया है, जिसका जवाब आदिवासी विकास और सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम ने दिया। उन्होंने सदन को बताया कि प्रदेश के 22 जिलों में 15,67,784 टन धान का उठाव नहीं हो पाया है। इसकी कीमत 29,44,29,85,389 रुपए होती है। तो ये एक बड़ी खबर है। विधानसभा का मानसून सत्र का पांचवा और अंतिम दिन आज रहा और ये मुद्दा उठा बेमेतरा में फर्नीचर खरीद में जो गड़बड़ी का मुद्दा है, ये बहुत ज़्यादा उठ रहा है छत्तीसगढ़ में। और स्कूल फर्नीचर खरीद पर जांच के बारे में कहा है मंत्री टेकाम का कहना है कि इसकी जांच की जाएगी। ये एक बड़ा मुद्दा है, स्कूल फर्नीचर की खरीद में जो गड़बड़ी हुई है ये मुद्दा वहाँ पर उठा है छत्तीसगढ़ विधानसभा में। और मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम का ये कहना है कि इसकी जाँच की जाएगी। बेमेतरा डीईओ को हटाने की घोषणा कर दी गई है, बेमेतरा डीओ को हटा दिया गया है। मानसून सत्र के पांचवें और अंतिम दिन यह मुद्दा विधानसभा में गूंजा कि स्कूल फर्नीचर की खरीदी के मामले में अनियमितता बरती गई है, भ्रष्टाचार का ये बड़ा मामला है जिसकी जांच होगी आगे चल करके। और बेमेतरा डीओ को हटाने की घोषणा कर दी गई है, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने निर्देश दे दिए हैं कि डीओ को हटाया जाए। बहुत बड़ा ये मुद्दा है, स्कूल फर्नीचर में खरीदी में भ्रष्टाचार का मुद्दा आया है सामने। और इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या है पूरा मुद्दा बताइए। बिल्कुल, विधानसभा का आज अंतिम वर्ष है और अंतिम वर्ष होते होते आज कहीं ना कहीं एक अलग से मुद्दा तय हो गया है और इसके साथ ही जो मुद्दे हैं वो काफी चर्चाओं में रही, खासतौर से शराब के मुद्दे हो, चाहे गोबर के मामले हो, चाहे अन्य जो जितने भी रोजगार की बात हो, किसान मोर्चे की बात हो, या फिर अन्य तरह के जितने भी जो मसले रहे छत्तीसगढ़ के, खासतौर से गोबर के जो मसले हैं वो उठ करके सामने आए हैं। तो ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं उस पर विचाराधीन रहे हैं और इसमें विपक्ष काफी हंगामेदार रूप से प्रस्तुत किए हैं। अखिलेश, इसमें बेमेतरा डीओ को हटाने की बात यहाँ पे हो रही है, तो क्या सिर्फ डीओ ही जिम्मेदार है या और भी लोग इसमें शामिल हैं? बिल्कुल, डीओ को जिस तरीके से हटाने की बात सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षाविद को लेकर के एक जो बात सामने निकल करके आती है उसमें कहीं ना कहीं रूपरेखा एक हिसाब से नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक की ही बात होती है और इसमें और जिस तरीके से इस तरीके से भ्रष्टाचार की बात भी आती है और जैसी शिकायत होती है विधानसभा में तो ऐसे ही तत्कालिक हिदायत देते हुए इस तरीके से कार्रवाई की जाती है। निश्चित तौर पे इसमें आगे जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि और कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं और सम्मिलित होने के बाद फिर और कई लोगों के ऊपर गाज गिरने की संभावनाएं जताई जा सकती है। वो कौन कौन लोग हैं जिन पर गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है? बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं जो खासतौर पे मंत्रालय में जो बैठे कुछ लोग हैं और इसके अलावा जो बीओ से लेकर के अन्य और जो ऐसे भी जो शिक्षक हैं और खासतौर से जो प्राचार्य हैं जो इस तरीके से कृत करते हैं और कृत करने के बाद फिर अपने आप को बचाने की जो कोशिश करते हैं, तो ऐसे मसले में ही एक ध्यानाकर्षण होता है कि आगे चल करके इस तरीके से और वाकया ना सामने हो जाए, इस तरीके से जांच का विषय है। और बाकी जो प्राचार्य है और अन्य जो शिक्षक है जो इस तरीके से सम्मिलित भी रहते हैं इनके ऊपर भी गाज गिरने की संभावनाएं बताई जा रही है। अखिलेश, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो एक बड़ा मुद्दा है सदन में, ये मुद्दा उठा है स्कूल फर्नीचर की खरीदी के मामले में भ्रष्टाचार का, ये मुद्दा आया है और इस पर मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम का कहना ये है कि इसकी जांच होगी। ये बड़ा मुद्दा है और डीओ को हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
बेमित्रा डीओ को हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बहुत बड़ा ये मुद्दा है, स्कूल फर्नीचर में भ्रष्टाचार अनियमितता पाई गई है, इसकी जांच होगी, ऐसा कहना है मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम का। विधानसभा में ये मुद्दा गूंजा, आज पांचवा दिन है और इसे लेकर के प्रश्न भी पूछे गए और डीईओ को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। फर्नीचर खरीदी में गड़बड़ी हुई है, स्कूल फर्नीचर की खरीदी में गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच की जाएगी, ऐसा कहना है मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम का। और बेमित्रा डीईओ को हटाने की घोषणा कर दी गई है, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने बेमित्रा डीईओ को हटाने की घोषणा कर दी है। सदन में आज ये मुद्दा उठा था, बेमित्रा में जो स्कूल फर्नीचर है उसकी खरीद में भ्रष्टाचार अनियमितता पाई गई है। अब ये मुद्दा बड़ा है और इसमें जांच होगी और ये पता लगाया जाएगा कि वो कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। अभी के लिए फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि डीओ को हटा दिया गया है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, स्वागत है आपका एमकेएन में। जी धन्यवाद। विकास जी, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में, आज ये जो मुद्दा उठा है फर्नीचर खरीदी में अनियमितता का, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और सत्ता पक्ष का काम है उसका जवाब देना। भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा विषय पिछले 5 दिनों में नहीं था और मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य में समाप्ति की ओर अग्रसर है। जनता से जुड़े मुद्दे इसलिए इनको नहीं मिल पा रहे क्योंकि जनता का काम बखूबी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार कर रही है। अभी जो चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज जो खरीदने की बात सरकार ने की है और उसमें विधेयक भी पारित हो गया है, आने वाले समय में 1500 से अधिक डॉक्टर इस प्रदेश को इस कॉलेज से मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं, इस प्रकार के अनर्गल बातें करते रहता है। लेकिन मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने तो डीओ को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। देखिए, ये तो सरकारी मामला है खरीदी बिक्री का और मंत्री जी ने अगर किसी आरोप का जवाब देते हुए सीओ हटाया तो हम उनका स्वागत करते हैं, तो अच्छी बात है। रमन राज में तो भ्रष्टाचारी और कमीशन खोरों को प्रश्न दिया जाता था, अभी तो कार्रवाई हो रही है। जी, तो यानी कि अगर कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ ये निकाला जाए कि अनियमितता तो हुई है। देखिए, अब भ्रष्टाचार की बात करें तो रमन राज में भ्रष्टाचार होता था लेकिन उनको प्रश्न दिया जाता था, अभी अगर सीधे सामने आई और कार्रवाई हुई है तो ये स्वागत योग्य बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है स्कूल फर्नीचर में भ्रष्टाचार का बेमित्रा से।